वेलकम टू गुजरे बरस के बारह रोले और आज है हमारा सेमी लास्ट रोला और जो कि है तालीम एजुकेशन ग्रोन एस पीपल क्राइंग ऑन सोशल मीडिया के जी हमें चलान ना देने की वजह से जो है बच्चे को दफ्तर में बिठाया गया प्राइवेट स्कूलों में लड़कियां एक दूसरे को चढ़ चढ़ के माधिको ब प्राइवेट स्कूल्स का मामला ना कुछ वैसा हो गया है कि लोग वहां पे अब बच्चे पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, अपने विड्रॉल्स को दूर रखने के लिए पढ़ाते हैं कि कोई उंगली उठा के ये ना कह दे कि आपने बच्चे को वहां नहीं पढ़ाया वहाँ नहीं पढ़ाया ढाई ढाई तीन तीन, तीन लाख की फीसें सालाना किस चीज के लिए इतने इतने पैसों में तो चार पांच बच्चे पढ़ सकते हैं द वैल्यू ऑफ प्रोवाइडिंग अ गुड एजुकेशन इज नाउ बींग आउट वेड बाई द प्रेशर ऑफ प्रोवाइडिंग दैट गुड एजुकेशन कहने का मकसद ये है कि उस एजुकेशन से अब आप हासिल क्या करना चाहते हैं वो तो बहुत बाद में जाके पता लगेगा अभी उसमें देनी कितनी है उसी के ऊपर 10 से 15 साल लगेंगे एजुकेशन और ड्रग्स में फर्क बस अब यही रह गया हुआ है कि ड्रग्स मजा फौरन देते हैं एजुकेशन तो सदियां गुजर जाती हैं उसका पता नहीं लगता कि कब बच्चा कुछ करके वापस देगा ये जो मैं जिन स्कूल्स की बात कर रहा हूँ ये वो स्कूल्स या क्लब्स या इंस्टीट्यूशन है जिनकी नीचे नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक लाइंस कवर्ड हैं अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आप हाई स्कूल उनके वाले में जा सकते हैं आप उनके हाई स्कूल में पढ़ते हैं तो आप उनके कॉलेज में जा सकते हैं उनके कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनकी यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आप मेंबरशिप की फीस दे रहे हैं कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर आपके स्कूल में आपके बच्चे को ये सहूलतें दी जा रही हैं कि आया उसके साथ बाथरूम जा रही है आया उसकी नोजी साफ करा रही है पॉटी साफ़ करा रही है और उस आया का बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ सकता देन यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इसका हल क्या है मेरे हैं चार बच्चे उनमें दो लड़कियां और दो लड़के हैं मैं सिर्फ लड़कियों को पढ़ा रहा हूं लड़कों को मैंने पढ़ाना छोड़ दिया है इससे मेरे ऊपर बर्डन काफ़ी कम हो गया है जो बच्चियों की एक्स्ट्रा पढ़ाई के पैसे हैं जो प्राइवेट स्कूलों के लिए मैं देना चाह रहा हूँ वो मैं इन दो लड़कों को ठेले पे काम करवा के निकलवाता हूँ उनसे तो इस तरह इन्हीं चारों के दरमियान ये पैसे रहेंगे यही आगे जाके अपना फ्यूचर मिल बना लेंगे इनको मैंने बता दिया है पढ़ाई सिर्फ दो की है बाकी दो की ठुकाई है वैसे भी ये जो दो बच्चे मैंने घर बिठाए हैं मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन वगैरह का हिसाब डाल के अगर मैं इनको बिल्कुल घर बिठाऊँ सोलह जमातों तक तो मैं कम से कम भी एक एक लड़के के ऊपर 60 से 80 लाख रुपए बचा सकता हूँ इन पैसों से मैं इनको मज़ीद कोई कारोबार जो इनके औकात के हिसाब से अच्छा हो कोई ट्रक लेके दे दूँ वो दे सकता हूँ तो आई डर डू दैट वैसे भी ये मुसलमान बच्चे हैं इन्होंने पढ़ के क्या कर लेना है आखिरत की तैयारी व्यारी करें आगे अल्लाह को मुँह दिखाना है कोई जन्नत जान का फैसला करें अपने लिए भी अपने माँ बाप के लिए भी अगर तो आप अपने बच्चों में ऐसी कोई तफरीक कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं आज ही के ना लायक है और लायक कौन है और उस हिसाब से स्पेंड करें तो श्योर गो फॉर प्राइवेट एजुकेशन इफ़ नॉट थोड़ा प्रेशर कम लें प्राइवेट इम्तिहान भी होते हैं बच्चों को घर में पढ़ाने का भी चांस लिया जा सकता है आपने भी तो पढ़ाई की भी है ना सोलह जमाते हैं चौदह बारह दस जितनी भी उतनी ही पढ़ाने का जिम्मा ले लें साथ लेके उनको चलें आप लोगों को यकीनन यकीन नहीं आ रहा होगा कि मैं चार बच्चों का बाप हो सकता हूँ इस जैकेट में लेकिन यही तो कमाल है फिर बाकी जुमा जुमा आठ दिन आग।